हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डालेंगे दर्शन और शिक्षा के बारे में। हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, अब हम सेकेंड यूनिट की ओर बढ़ेंगे। तो सेकेंड यूनिट में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है दर्शन और शिक्षा। तो मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसके साथ साथ वह दार्शनिक भी है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति क्या करता है, जो घटित होने वाली उसकी घटनाएं हैं उनको अनुभव करता है, उस पर चिंतन मनन करता है और फिर वह उसके बाद किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक दार्शनिक प्राणी है। तो हम जानेंगे दर्शन के अर्थ के बारे में। दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द दृष्ट धातु के करण अर्थ में युट प्रत्यय लगकर हुई है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। यानी अगर हम व्यक्तित्व के आधार पर बात करें तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? संस्कृत के शब्द दृष्ट धातु से, जिसका अर्थ है देखना। तो इसके अनुसार कार्य जिसके द्वारा देखा जाए, दृश्यते अनेन इति दर्शनम्, यानी जिसके द्वारा हम देखें और जो भी हम देखकर जानते हैं वह सब दर्शन है। तो अगर हम व्यवहारिक भाषा में बात करते हैं तो दर्शन क्या है? हम किसी से भी पूछते हैं कि क्या आपने दर्शन किया, तो वो बोलते हैं हम जा रहे हैं इसका दर्शन करने, या मंदिर जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने। इस प्रकार की बात व्यवहारिक रूप से लोग करते हैं, किंतु क्या वही दर्शन है? नहीं, वो दर्शन नहीं है। क्योंकि दर्शन क्या है? दर्शन वह है जो किसी भी घटना के पीछे घटित होने वाली सत्यता को जानने का प्रयास करता है, वो दर्शन है। तो जिसको हम देखें या दर्शन करें, तो जैसे हमने कहा कि जिसके द्वारा देखा जाए, तो देखते कैसे हैं? आंखों के द्वारा। आंखें हमारे देखने का माध्यम है, तो क्या आंखों के द्वारा जो कुछ भी देखते हैं हम वह सब दर्शन है? नहीं है। दर्शन वह है जो हम घटना के पीछे घटित होने वाले सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, वही दर्शन है। अर्थात आंखों के सामने घटित हुई घटना के पीछे के सत्य को जानना ही हमारा दर्शन है। जैसे यदि हम रास्ते में जा रहे हैं, हमने देखा कि कोई घटना घटित हुई, तो हमने अपनी आंखों से यह देखा कि घटना घटित हुई, किंतु जब हम यह चिंतन करते हैं कि घटना क्यों कैसे घटित हुई, तो वो हमारा दर्शन होता है। क्योंकि हम उस घटना के पीछे जो कारण है उनको जानने का प्रयास करते हैं और निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, वो हमारा दर्शन होता है। अगर बात करें दार्शनिक कौन है, तो दार्शनिक सभी है। मनुष्य भी दार्शनिक है, जीव जंतु भी दार्शनिक है, जो भी जानने की इच्छा रखता है वो सभी दार्शनिक है। यदि आपके सामने कोई नई वस्तु आती है, आप उसको देखते हैं, तो आप ये जानने का प्रयास करते हैं कि यह क्यों है, कैसे चलती है। जैसे हमारे सामने मोबाइल फोन आए, तो हमने उनको देखा, जाना, इसके बाद यह जानने का प्रयास किया ये कैसे चलेगा, इसमें क्या नई टेक्नोलॉजी आई है ऐसी, जो हमारे पुराने फोन थे वो कैसे डिफरेंट थे। तो ये क्या है? ये जो जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, यही हमारा दर्शन होता है। जब हम किसी घटित होने वाली घटना के पीछे का कारण जान लेते हैं तो हम कहते हैं कि वह हमारा दर्शन है। सामान्य भाषा में अगर कहें तो दार्शनिक सभी हैं, किंतु अगर सफल दार्शनिक की बात करते हैं तो सफल दार्शनिक हम तभी बनते हैं जब हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, तभी हम एक सफल दार्शनिक बनते हैं।
यानी यह हम जान लेते हैं कि यह कैसे और क्यों हुआ, तब हम एक सफल दार्शनिक होते हैं। अगर हम अपने भारतीय दर्शन की बात करें तो हमारा भारतीय दर्शन दुख के कारणों को जानने का प्रयास करता है। दुख क्यों है, कैसे है तो इसको कैसे समाप्त किया जाए ताकि दुख ना, ये हमारा भारतीय दर्शन है। किंतु अगर हम पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो वो क्या कहता है, वो कहता है ज्ञान से प्रेम की बात करता है। उसको क्या है, ज्ञान जो भी निष्कर्ष है उसको जानना है, यथार्थ को जानना है उसको। वो क्या है, तो पाश्चात्य में ज्ञान क्या है, निष्कर्ष शोध, वही उनका दर्शन है। तो अगर हम पाश्चात्य अर्थ में दर्शन की बात करें तो पाश्चात्य अर्थ में दर्शन को अंग्रेजी भाषा के फिलोसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण माना जाता है, जो यूनानी भाषा के दो शब्द फिलोस और सोफिया से मिलकर बना है। फिलोस का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में अगर हम फिलोसफी शब्द की बात करें तो वो हमारा होता है ज्ञान से प्रेम, अर्थात फिलोस यानी प्रेम, सोफिया यानी ज्ञान, तो दोनों को मिलकर फिलोसफी का अर्थ हुआ ज्ञान से प्रेम। इस प्रकार अगर हम दर्शन की बात करें तो दर्शन शब्द में मानसिक प्रक्रिया के तीन पक्षों को शामिल किया गया है, ज्ञान, कर्म व भाव। ज्ञान क्या है, सत्य का साक्षात दर्शन करना ही दर्शन है। प्रसिद्ध दार्शनिक हमारे प्लेटो, उन्होंने कहा कि मानव के मन से उत्पन्न अशांति जिज्ञासा के कारण ही मानव का मन संवेदनशील, गतिशील और परिवर्तनशील बना रहता है। यानी जो मानव के मन में अशांति उत्पन्न होती रहती है वो उसको जिज्ञासा, वही उसको जानने के लिए प्रेरित करती है कि क्या कारण है, क्यों है यह कारण, और वही हमारा दर्शन है। तो जो हमारा भारतीय दर्शन है वो कैसा है, दुखों की बात करता है, दुखों को दूर करने के उपाय ढूंढता है। लेकिन जो हमारा पाश्चात्य दर्शन है वह ज्ञान से प्रेम करता है, शोध से प्रेम करता है। तो इस प्रकार अगर हम कहें तो दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है, दर्शन यथार्थ की परत के लिए एक दृष्टिकोण है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र क्या हो गया, जो शोध पे ध्यान, जो हमारे परम सत्य और सिद्धांतों के बारे में कारणों की खोज करे, वही हमारा दर्शन है। दर्शन का अर्थ जानने के बाद अब हम जानते हैं दर्शन की परिभाषाओं के बारे में। जैसा कि हमने जान लिया, दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो हमको परम सत्य और सिद्धांतों तथा उनके कारणों की विवेचना के बारे में जानने के लिए प्रेरित करता है या एक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। तो अब हम दर्शन की परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। तो अरस्तु ने कहा है, दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। अर्थात दर्शन वो विज्ञान है, विज्ञान क्या होता है, जो प्रयोग के आधार पर यह जानने का प्रयास करता है कि यथार्थ क्या है। तो वही चीज है, परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, वो हमारा दर्शन है। प्लेटो के अनुसार पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। वही बात उन्होंने भी कही है कि जो भी पदार्थ है भौतिक जगत में, जो कुछ भी है, जो घट रहा है, उसके यथार्थ स्वरूप को जानना
क्यों घटना घटित हुई, कैसे हुई, उसके कारणों को खोजना और निष्कर्ष निकालना ही हमारा क्या है, दर्शन। कांटे के अनुसार दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। विज्ञान क्या है? जो प्रयोग और शोध के आधार पर सत्यता की जांच करता है। और दर्शन हमारा कैसा है? दर्शन भी हमारा ऐसा ही है जो घटित होने वाली घटनाओं के बारे में यह जानने का प्रयास करता है कि यह घटना क्यों घटित हुई, यदि दुख है तो क्यों है, उसका कारण क्या है, कैसे है, इन तथ्यों को जानने का प्रयास करता है, प्रयोग के आधार पर उनकी खोज करता है और निष्कर्ष पे पहुंचता है। इसलिए दर्शन हमारा कैसा है? विज्ञानों का विज्ञान है। बट रसेल के अनुसार दर्शन वह प्रश्न है जिसमें अंतिम प्रश्नों का आलोचनात्मक ढंग से उत्तर दिया जाता है, जबकि उन सब बातों की खोज की जाती है जो उन्हें भ्रमात्मक बनाती हैं तथा हमारे साधारण विचारों से संबंधित अस्पष्टता तथा अव्यवस्था का ज्ञान कराती है। अर्थात कहे तो दर्शन क्या है? जो अंतिम प्रश्न, यानी अंतिम प्रश्न क्या है? यह जानना कि क्यों है, कैसे है, उसके बारे में आलोचना। जब हम आलोचना करते हैं, हमको दो कारण पता चले, हमने उनकी आलोचना की, उनका खंडन किया कि इस बात का कारण है कि नहीं, इस घटना का यह कारण नहीं होगा, तो वो क्या होता है? वही हमारा दर्शन है, यानी भ्रमात्मकता बनाता है। जबकि उन सब बातों की खोज की जाती है जो उन्हें भ्रमात्मक बनाती है, यानी हम इसके साथ साथ उन बातों की भी खोज करते हैं, उन तथ्यों की भी खोज करते हैं जो हमारे कारणों में भ्रम उत्पन्न करते हैं कि ऐसा हो सकता है, नहीं ये नहीं सही है, ऐसा हो सकता है, ये क्या सही है, क्या गलत है। जब हम इस बात में भ्रम में उलझ जाते हैं, इसके बाद क्या करते हैं कि नहीं, एक हमको सही निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए, उस भ्रम को तोड़कर एक सही निष्कर्ष की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं तथा हमारे साधारण विचारों से संबंधित अस्पष्टता तथा अव्यवस्था का ज्ञान कराती है। यानी जो हमारे साधारण विचार आ रहे हैं, जो भी हमारे मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उनसे संबंधित अस्पष्टता, जो हमारे सामने कारण नहीं आ रहे हैं, जो कारण आ रहे हैं उनमें कौन से कारण सही हैं और कौन से कारण गलत हैं, उनकी अव्यवस्था, यह जानने का भी प्रयास करते हैं कि कौन से कारण अव्यवस्थित हैं, उनको सही क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं और इसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वही हमारा दर्शन है। इसी प्रकार डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। यानी जो यथार्थ में सत्य है, भौतिक जगत में जो भी हमारे सामने सत्य है, उसको जब हम तार्किक विवेचन करते हैं, उसमें जानने का प्रयास करते हैं, तो वही क्या है? वही हमारा दर्शन है। जिज्ञासा, जो हमारे मन में जिज्ञासा है, उसको जब हम शांत करते हैं, शोध करते हैं और उसके कारणों पे पहुंच जाते हैं, इसके बाद निष्कर्ष निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? दर्शन हो जाता है। गांधी जी के अनुसार यह दर्शन को एक प्रयोग मानते हैं। यानी जो हमारे गांधी जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि दर्शन एक प्रयोग है जिसने मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है। यानी मानव क्या है? मानव का एक व्यक्तित्व है और जो सत्य है वही उसकी विषय वस्तु है। क्या सब्जेक्ट हम लेके चलते हैं? कि सत्य की हमको खोज करनी है और उसको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्रित करते हैं। यानी जो भी घटना घटित हुई उसमें क्या सत्यता थी, क्या नहीं थी, उसको जानने के लिए हम प्रमाणों को एकत्र करते हैं, वो हमारा क्या है? दर्शन है। जब हम प्रमाण एकत्रित करेंगे तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।
जैसे हम साधारण भाषा में भी कहते हैं कि हमारा जो कानून व्यवस्था है वो क्या करती है, वो सत्य को प्रमाण चाहिए उसको, बिना प्रमाण के वह किसी बात को सत्य नहीं मानता है। उसी प्रकार हमारा दर्शन है वो प्रमाणों को एकत्रित करता है, उसकी खोज करता है और फिर निष्कर्ष पे पहुंचता है। इस प्रकार दर्शन हमारा क्या है, ज्ञान की प्रति जिज्ञासा, ज्ञान को जानने का कारण। इसी प्रकार ब्राइटमैन ने भी कहा है कि दर्शन एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अनुभवों को, यानी जो भी मानव मनुष्य के अनुभव है, उनके विषय में सत्यता के साथ विचार किया जाता है। यानी हमने जो देखा, हमने जो जाना, जो हमने अनुभव को एकत्र किया है, उनके विषय में हम क्या करते हैं, प्रमाण एकत्रित करते हैं कि क्या वह सत्य है या नहीं है, उन पर चिंतन मनन करते हैं और इसके बाद वही हमारे संपूर्ण अनुभव क्या होते हैं, हमारी जो समस्या है उसको बोधगम्य बनाते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं, कैसे उन कारणों के बारे में अध्ययन करके हम उन तक निष्कर्षों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। यही हमारा दर्शन है। तो आज की क्लास में हमने दर्शन का अर्थ और दर्शन की परिभाषाओं के बारे में जाना। आगे हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं।